साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट है जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बर्तन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन वहां बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। भारत में तो हमारा विश्वकर्मा साथी ऐसे अनेक बेहतरीन प्रोडक्ट पारंपरिक रूप से बनाते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्व को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा। और इसलिए ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आप लेके आए हैं, उसे मुझे एक व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है मेरे लिए। यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद मेरे एक संकल्प के विषय में पता होगा, क्योंकि ये संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सीधा बेनिफिट शायद न दिखता हो, लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदा ने बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है।